आर यू द एम बी अगर आपका भी मन है एम बी ए करने का या आप इन फ्यूचर सोच रहे हो करने की या आप एम बी ए कर रहे हो या एडिशन लेने वाले हो या फिर सिर्फ नॉलेज भी लेना चाहते हो तो आज की वीडियो काफ़ी ख़ास है जी हाँ थमने ला आपने देख लिया है सिंगल स्पेशलाइजेशन और ड्यूअल स्पेशलाइजेशन क्या होता है और ये बेसिकली एम बी ए में कैसे आया और क्या इसकी डिमांड है इसके डिफरेंस को समझेंगे मैरिट Merit, डी को समझेंगे डिमांड्स को समझेंगे और अगर आप एम करने के लिए जा रहे हो तो आपके लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन ठीक रहेगा सिंगल या फिर ड्यूअल और किस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं किस में सैलरी ज़्यादा है स्कोप ज़्यादा है रिसेशन का कोई डर नहीं सब कुछ बताऊंगा आज की अपनी इस वीडियो में तो देखो हम कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अगर हम आफ्टर ग्रेजुएशन बात करें तो टॉप मोस्ट कोर्सेज में एम वन ऑफ द बेस्ट है और ऐसे में चाहे कितने भी कोर्स आ जाएं लेकिन अगर आपने आई आई एम जैसी जगह से एम बी ए किया है तो भैया आपकी तो बल्ले बल्ले है और कुछ लोग ज़रूरी नहीं है सब वहाँ से कर पाएं उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं जैसे ऑनलाइन के ऑप्शन दुनिया भर के आज की डेट में खुल चुके हैं कहीं से भी आप कर सकते हो ऐसे में अब एक और चीज आ चुकी है वो है ड्यूल स्पेशलाइजेशन अब ये क्या होता है सिंगल और ड्यूल स्पेशलाइजेशन क्या दोनों में डिफ्रेंसेज है और क्या हमारे लिए सही होगा वो सब कुछ आज के अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे तो बिना नाम है गौरव भारद्वाज में एज ए काउंसलर एज ए कॉमर्स लेक्चरर आप सबके लिए हमेशा गाइडेंस लेकर आता हूँ इफ़ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करियर अबाउट योर जर्नी तो लेट गेट स्टार्टेड सबसे पहले बात करेंगे देखो अगर मैं बात करूँ इन सिंपल वे में क्योंकि मैं सीधी साधी बात करता हूँ देखो ज़्यादा घुमा के बात नहीं करता ठीक है सिंगल स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ जैसे आपने एच से पहले ऐसे ही होता था पहले ऐसे ही होता था जो लोग एम करने के जाते थे कहते थे भाई सिंपल सी बात है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो किसी पर्टिकुलर पर ही होगा लेकिन कंपनी की डिमांड्स को देखते हुए कंपनीज आज की डेट में चाहती है कि वर्सेटाइल हो हमारा जो एम्प्लॉई है इसलिए ड्यूअल स्पेशलाइजेशन चला है तो पहले जैसे आप एच से कर रहे हो मान लीजिए या आप मार्केटिंग से कर रहे हो या आप फिनेंस से कर रहे हो या आप आई से कर रहे हो या आप इंश्योरेंस से कर रहे हो या आप बैंकिंग से कर रहे हो जिस भी फील्ड से आप कर रहे हो वो आपका सिंगल स्पेशलाइजेशन एम होता है ड्यूअल स्पेशलाइजेशन एम होता है जब आप दो के साथ करते हो जैसे कि मार्केटिंग एंड फिनेंस एच एंड फिनेंस मार्केटिंग एंड आई है ना और मार्केटिंग एंड इंश्योरेंस फिनेंस एंड बैंकिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वो आपके ऊपर है आप क्या चूज़ करते हो तो जब यहाँ पे हम दो दो स्पेशलाइजेशन एक साथ रखकर कर एम करते हैं तो इसको हम ड्यूल स्पेशलाइजेशन एम कहते हैं समझ में आगे बात अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए जब आप दो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो दो ट्रेड पढ़ रहे हो तो एक ट्रेड आपका होगा मेजर ट्रेड और एक ट्रेड आपका होगा माइनर ट्रेड समझ में आगे बात मान लीजिए सपोज आप मार्केटिंग और से कर रहे हो तो इन दोनों में से एक आपको चूज करना होगा जो आपका मेजर होगा उसमें ज़्यादा स्टडी होगी और जो आपका माइनर होगा उसमें कम स्टडी होगी एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो अगर इसकी चार बुक्स हैं तो उसकी माइनर की दो बुक्स होंगी समझ में गई बात इसमें क्या रहता है कि एक आपका माइनर होता है एक आपका मेजर होता है मतलब आप जो थीसेस वगैरह पढ़ेंगे वो मेन मेजर वाले की पढ़ेंगे लेकिन सेकेंडरी आप एक माइनर ट्रेड को भी लेके साथ में चल रहे हैं सिनेरियो बदल रहा है कंपनी की नीड्स बदल रही हैं कंपनी चाहती है हमारे जो एम्प्लॉई हैं वर्सेटाइल हो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही काम में वो रहे वो कंपनी के और भी काम आए कंपनी की और फील्ड में भी हेल्प कर पाएँ इसलिए कंपनी ज़्यादातर आज की डेट में ड्यूल एम वालों को ज़्यादा कर रही हैं जिसे देखते हुए एक होड़ सी लग चुकी है कि स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई वो आ, मेजर और माइनर दोनों ट्रेड लेकर करें तो आप भी मुझे तब तक कमेंट करके बताना कि आपके मन में है कि आप ड्यूल एम करो अगर करो तो कौन से दो तो ट्रेड हो सकते हैं इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अब बात करते हैं कि भैया देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आप जाते हो जॉब के लिए तो अगर आपने किसी सिंगल ट्रेड से या सिंगल स्पेशलाइजेशन से किया है तो आपको उसी फील्ड में जॉब मिलेगी लेकिन अगर आपने दो ट्रेड या दो स्पेशलाइजेशन लेकर आपने एम किया है तो आपके पास जॉब के चांसेस भी ज़्यादा है आप क्विट जॉब को स्विच भी कर सकते हो वो बात अलग है आपको मेज़र में एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा माइनर में कम होगा बट यू हैव टू ऑप्शंस यहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है लेकिन यही इसके डिमेरिट्स भी हैं कि निगेटिव पॉइंट्स भी है जो मैं आपको आगे बताऊँगा तो वीडियो में उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे एम करना है आपने सोच ही लिया है कि एम करना है और फिनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो क्योंकि यूजीसी ने भी कह दिया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की वैल्यू इक्वल है ऐसे में आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस भी दे सकते हो मुमकिन है आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस देकर एमबीए कर सको क्या करना होगा एक वेबसाइट बताता हूं जिसका नाम है कॉलेज विद्या ये हजारों लाखों बच्चों की हेल्प कर रही है इस वेबसाइट पे आप जाइए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पर आपको जो है सौ से ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट अप्रूवड है और पाँच से ज्यादा यहाँ पर काउंसलर्स मिलेंगे जो आपकी काउंसलिंग करेंगे वीडियो और ऑडियो मूड में करना बस ये है यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है जो भी सपोज आप कोर्स करना चाहते हैं यू जी पी जी वट एवर यू विल डू तो मैंने ऑनलाइन एम बी ए चूज किया यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे आप यहाँ पर सेलेक्ट करें तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए कंपेयर के लिए तो यहां पे आप देख सकते हो जो भी यूनिवर्सिटीज है वो आपके सामने यहां पर आगी आप बस कंपेयर पे क्लिक कर दें जैसे ही आप कंपेयर पे क्लिक करें लेकिन उससे पहले आपको अपनी डिटेल फिलअप करनी होगी जिसमें आपका नेम आपकी कैटेगरी आपकी डेट ऑफ बर्थ ये सब आपको फ़िल करनी होगी बस वो फिल करके आप कंपेयर करें यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिख जाएंगे यहाँ पर थर्टी से ज़्यादा फैक्टर्स पर आप कंपेयर कर सकते हैं चाहे तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडिशंस के लिए चाहे तो इनके काउंसलर से काउंसलिंग करा सकते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर आपको ई में पे करने का ऑप्शन मिलता है और उससे बड़ा बेनिफिट है जो ऑनलाइन आज की डेट में फ्रॉड होते हैं ना उनसे आप लोग यहाँ पे बच जाते हो और डायरेक्ट यहाँ से एडिशंस भी ले सकते हो और बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है तो यार देर किस बात की है कॉलेज विद्या से जाके ज़रूर जुड़े इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और हाँ हा, यहाँ पर इनका एक करियर बूस्टर और प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम भी चल रहा है वैसे तो फीस उसकी अप्रोक्सी सेवन थाउजेंड है बट आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो का उससे जाके क्लिक करके अप्लाई करते हो तो ये है आप सबके लिए अगर आप एम करने की सोच रहे हो ऑनलाइन तो चलिए बात करते हैं कि आपको जॉब चाहिए तो एक स्पेशलाइजेशन से एक फील्ड में जॉब रहेगी और दूसरे स्पेशलाइजेशन से मतलब अगर ड्यूल करते हो तो ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे बट ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है देखो कंपनी की डिमांड के ऊपर है कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि भाई उनके पास तो बंदा फुल एंड फुल एक ही फील्ड का, का काम करे तो वो सिंगल आपका स्पेशलाइज को हायर करती है लेकिन मोस्ट ऑफ जो ग्रोइंग है, कंपनीज़ हैं जो मिडल कंपनीज हम कह सकते हैं वो चाहती है कि उनकी जिनके एम्प्लॉयीज़ कम है कंपनी में वो चाहती है उनका एक एम्प्लॉय दो फील्ड का काम संभाल ले तो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स इनकी है तो हाँ ये बात आपको माननी पड़ी कि आज की डेट में थोड़ी डिमांड ज़्यादा एज़ कम्पेरिटिवली टू सिंगल ड्यूल स्पेशलाइजेशन की है बात करते हैं नंबर थर्ड जॉब चेंजेस देखो अगर आपको मान लीजिए जॉब आपको चेंज करनी है किसी दूसरी फील्ड में जाना है वैसा तो है नहीं कि आपने मार्केटिंग से एमबीए कर रखा है और आप फिनेंस में जाके जॉब अप्लाई कर दो या आप आईटी में जाके अप्लाई कर दो नहीं पॉसिबल है ना लेकिन अगर आपने ड्यूल एम किया है मतलब ड्यूल स्पेशलाइजेशन से किया है तो यू कैन चेंज यूअर जॉब ईजीली क्योंकि आपके पास भले माइनर नॉलेज हो बट यू हैव अडिशनल नॉलेज ऑफ़ अदर ट्रेड जिस कारण से आपको यहाँ पर जॉब जो है वो आसानी से मिल जाएगी तो ये है सिंपल सा और कहते हैं टाइम के साथ चलो वरना पीछे रह जाओगे वही चीज है आज का टाइम ड्यूल एम का है जिस कारण से लोग दो दो ट्रेड को चूज करते हैं तो आप भी अपना स्पेशलाइजेशन बना सकते हैं देख सकते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपके लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन अच्छा रहेगा आगे चलें तो बात करेंगे डिमेरिट्स और मेरिट्स की देखो जैसे मैंने बताया कि क्या कभी कभी ये भी होता है कि किसी एक्सपर्टीज़ हमेशा एक ही टॉपिक या एक ट्रेड में हो सकती है कभी भी एक्सपर्टीज़ दो में नहीं हो सकती कभी आपने सुना है कि भाई कोई प्लेयर क्रिकेट में भी बढ़िया है और फुटबॉल में भी बढ़िया है और दोनों में वो रैंक वन पे है वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है कि नहीं क्योंकि आप प्रैक्टिस एक ही कर सकते हो एक्सपर्टीज़ एक में ही ला सकते हो तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हो और वही दूसरी तरफ ड्यूल एम का ड्यूल स्पेशलाइजेशन का निगेटिव पॉइंट भी कह सकते हो तो बहुत बार क्या होता है कि कंपनीज इस चीज़ को देखते हुए जब आपने मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब किया है अलग अलग फैक्टर से दोनों ट्रेड में और आप किसी बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो वो कहेंगे आपने वहाँ क्या काम किया तो आप कहोगे मैंने मार्केटिंग में भी किया है मैंने फिनेंस में भी किया है अब वो कहेंगे हमें तो केवल मार्केटिंग के लिए चाहिए तो सॉरी हम आपको अपॉइंट नहीं कर सकते ये भी एक निगेटिव पॉइंट है मतलब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये है मेरा ओपिनियन है आपका क्या कहना इस बारे में बताइए तो ये चीज़ सोच के रखिए कि आपको दोनों तरह की चीजें मिलेंगी देखने को अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा मिलेंगी ड्यूल एम से ड्यूल स्पेशलाइजेशन से जॉब की कोई कमी नहीं होगी आपके पास ठीक है क्योंकि आपके पास दो दो ट्रेड है दूसरा अगर कोई बड़ी कंपनी आपको हायर करना चाहे बड़ी मतलब कोई ऐसी कंपनी जो एक ही ट्रेड के बंदे को सोच रही है तो वहाँ इंटरव्यू में आपको हो सकता है एक बार को निग्लेक्ट कर दे ठीक है डिमांड्स हाँ डिमांड्स जो है कहीं ना कहीं ड्यूल एमबीए की ज्यादा है ड्यूल स्पेशलाइजेशन की ज़्यादा है अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो कंसीडर करूँगा क्योंकि आज की डेट में देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा है एमबीए वाले बच्चों का जॉब के लिए तो ऐसे में अगर आपके पास दो ट्रेड हैं तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी तो कर सकते हो उसके बाद आप प्रैक्टिस एक में करो है ना प्रैक्टिस एक में करो ताकि उसकी एक्सपर्टीज आए और उससे आपको जॉब अच्छी मिले ऑल अगर आपको लगता है कि नहीं इस फील्ड में रिसेशन आ रहा है कंपनीज निकाल रही हैं बंदों को तो आपके पास जो सेकेंडरी माइनर वाला जो आपका स्पेशलेसन है उसमें आप थोड़ी प्रैक्टिस करके उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं ये मेरा ओपिनियन है आपका क्या कहना है इस बारे में कॉमेंट करके ज़रूर से बताइए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर से बताना क्योंकि ये चैनल बना है कॉमर्स स्टूडेंट हेल्प के लिए थैंक यू सो मच